चेतन सिंह, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के जो भी नेता जिन्होंने खास तौर पर धर्म आधारित इस तरीके के बयान दिए जिनका मतलब यह निकाला गया कि पूरे एक हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ? देखिए, एक एंटनी की रिपोर्ट आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी बन के रह गए हैं, शायद इसका नुकसान हमें हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सबसे पहली बात है, जब समाज की सेवा की बात आती है, एक नेता चाहे वो पक्ष में है विपक्ष में है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है लोगों की सेवा करना। उसमें फायदा नुकसान नहीं होता कि उनका नुकसान हो गया, उनका फायदा हुआ। अच्छा, कुछ समय के लिए नुकसान हो गया होगा, लेकिन सेवा कर रहे हैं, कैसे बयान देगा? देखिए, ये वाला बयान समाज सेवा का बयान है आपके हिसाब से? उसको जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है ऐसे समय में। बहुत बड़े सेवक है, नहीं देखिए, बहुत बड़े सेवक है, एक बहुत बड़े सेवक समझ रहा है, आरोप समझ रहा है, कांग्रेस से बड़ा सेवक कोई नहीं है। मैं मानता हूँ भारी विनोद जी, मुझे ऐसा लगता है आज प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी उनके भी जो जो भाषण होते हैं बयान आते हैं, तो वो अब तक चुनावी मोर्चे बाहर नहीं आ पाए। नहीं बोल दीजिए, उसके बाद आपकी पार्टी हमसे ये कहेगी कि हमारा आदमी नहीं है, इसको क्यों बैठा लिया चुनावी मोड़ में? अभी नहीं नहीं, आप प्रधानमंत्री पे भी बोलिए, फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस कहेगी कि आदमी हमारे नाम से क्यों बैठा, इसको हटाइए यहाँ से। रोहित जी, नुकसान फायदा क्या होता है भाई? नुकसान, आप पूछिए ना अपनी पार्टी के नेताओं से पूछिए, जिनके आप कथित समर्थक हैं सर, उनसे पूछिए ना कि क्यों कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान का नुकसान हुआ, क्यों कह देते हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान हमारा बयान नहीं है, संजय निरुपम का बयान हमारा बयान नहीं है, संदीप दीक्षित का बयान हमारा बयान नहीं है, ये सब इनके निजी बयान है, ये अपनी मर्जी से बोलते हैं, आप इस बात से इनसे हमारा कोई लेन देना नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? मुझे एक बात बताइए ना, जो भगवाए के मुझे केवल गलत काम कर रहे, मुझे केवल इतना बता दीजिए, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा, इससे आपसे मैंने क्या पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा चेतन जी, क्या केवल मंदिरों में रेप हुए किसी मदरसे में? आज के आपने अखबार नहीं पढ़ी? एक भी हुआ, अगर ऐसा हो गया तो क्या आप पूरे समाज को पूरे एक कौम को बदनाम कर देंगे? एक भी हुआ है तो बहुत गलत है। दूसरा तो बोलिए सर, सुनिए, बोलिए फिर वैसी बात जैसे दिग्विजय सिंह बोल रहे करने आए। सुनिए, दूसरा सुनिए, हमारे देश जो एक देश है, मैं एक बार इसराइल कंट्री गया था, बहुत बड़ी वहां पर आपत्ति ये प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन उनका जब अखबार उठा के देखा सब सकारात्मक चीजें थी। क्या आवश्यकता पड़ गई जो सरकार में पक्ष में लोग हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तमाम सुनिए ना, लेकिन रहने को क्या, सुनिए ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान के सीमा पर आपको एक चीज याद दिला देता हूँ, खास तौर पे इस देश की राजनीतिक पार्टियों पर यह लागू होती है कि तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, अखबार गलत दिखा रहा है, टीवी गलत बता रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो भगवान है चेतन सिंह के, इसलिए वो माथा टेके हुए हैं कि नहीं दिग्विजय सिंह ने सही बोला था। ठीक है सर, आप शाहनवाज हुसैन, लास्ट कमेंट आपका ले रहा हूं, फिर विक्रमादित्य जी आपसे लूंगा। शाहनवाज भाई, ओके, शाहनवाज हुसैन, ये मुंह में राम बगल में छुरी दिग्विजय सिंह के लिए बोला क्या आपने? अरे वो तो सब नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, ओके ओके ओके।